हाई एवरी वन आज मैं कवर कराऊंगी रिवर्सल ऑफ फॉर्चून सो वी हैव सीन दुर्योधना गोज ऑन नरेटिंग द वेल्थ एंड फॉर्चून ऑफ किंग कौंतिया किंग कौंतिया जो है वो युधिष्ठिरा है इवन हम ये कह सकते हैं कि लाइक जो पांडवास का जो वेल्थ ऑफ फॉर्चून है वो दुर्योधना जो है नरेट कर रहा है होता है बिकॉज वो जेलस होता है सो एग्जाम्पलीफाइड इन इंस्टेंस चाइनीज मैन आई सॉ एंड हंस सीधियंस ओ एंड वंस हु लिव इन द इंटायर इंटीरियर फॉरेस्ट वर्नयास रॉबाह ब्लैक फोक एंड हिमालय सो इन सब का वो नाम लेता है एंड आई कैन नॉट गेट ओवर द मनी हु केम लाइक मैं इस चीज़ के बाहर नहीं आ पा रहा कितने लोग आए थे एंड वर डिनाइड एडमिशन उन लोगों ने एडमिट होने से मना कर दिया येट पे ट्रिब्यूट टू दिम लाइक येट उन उन्होंने ट्रिब्यूट दिया उसको एंड सो मैनी शेप्स एंड सो न्यूमिरस बहुत सारे शेप्स में एंड सो न्यूमरस मतलब बहुत सारा सो सच डिस्क्रिप्शन कवर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक इस डिस्क्रिप्शन के साथ फर्स्ट पार्ट जो है कवर हो जाता है बुक का जिसमें हम लोगों को दिखाया जाता है मतलब यह सारी चीजें एंड पेंट फॉर पिक्चर ऑफ एग्जॉर्स एंड लग्जरीब्लास है प्लानिट्यूड मतलब है, है, मतलब फुल मतलब सब कुछ है उनके पास कंप्लीट है एंड जो लग्जरी है जो भी पांडवास के पास है वो दिखाया जाता है फर्स्ट पार्ट ऑफ मतलब बुक के फर्स्ट पार्ट में सो दिस इज द पीक ऑफ पावर फॉर द पांडवास पीक ऑफ पावर होता है पांडवास के लिए जो भी उनके पास है अभी ठीक है सो द बट द लेटर हाफ ऑफ द चैप्टर रिवील्स टू अस अ कम्प्लीट रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून लाइक जो लेटर हाफ है लाइक जो फर्स्ट हाफ़ है तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि लाइक जो दुर्योधना है वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है पांडवा के पास क्या क्या है उन सब चीज़ों के बारे में बट लेटर हाफ जो था चैप्टर का उसमें हम लोगों को पूरी तरीके से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा फॉर्च्यून का कि लाइक वो एकदम से अमीर से वो एकदम गरीब हो जाते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता सो फ्रॉम रिचेज टू स्लेव्स एकदम अमीर से वो गरीब हो जाते हैं there

जो है इस गेम को फैमिली गेम ऑफ डाइस कहता है एंड एज वी सी लेटर द इंटायर लॉजिक ऑफ़ फैमिली गेम स्टैंड ऑन इट्स हेड लाइक हम लोगों को बाद में पता चलता है कि लाइक like, इंटायर जो लॉजिक है फैमिली गेम के बारे में और इवन जो फैमिली गेम जो स्टैंड करता है इन इट्स हेड तो हम लोगों को पूरा फैमिली गेम ऑफ डाइस के बारे में लाइक like, पूरा जो लॉजिक है वो पता चलता है द फैमिली गेम टर्न्स इनटू अ फैटल गेम जो फैमिली गेम है वो एक फैटल गेम में बदल जाता है फैटल मतलब कह सकते हैं कि जानलेवा गेम में बदल जाता है बिकॉज ऑब्वियसली युधिष्ठिर सब कुछ हारता जाता है और पांडवास के पास कुछ भी नहीं होता सो एट इट्स ऑर्गूमेंट्स द फाइट बिटवीन द टू वेरिंग ग्रुप्स लाइक ये मतलब एक नेवता दे देता है कि लाइक दोनों वेरिंग ग्रुप के बीच में एक फाइट होगा सो so वो होगा कौन सॉरी यहाँ पे कौरवास होगा सो so कौरवास एंड पांडवास के बीच में ठीक है सो so, स्टिल uh, जने जया द ईगर लिसनर ऑफ द टेल ऑब्वियसली जो जने जया है वो एक्चुअली ईगर लिसनर होता है वो पूरा महाभारत सुन रहा होता है जब वैशम पयाना उसे नरेट कर रहा होता है सो किंग जनमे जया जो है वो ईगर लिसनर होता है सेल का एंड हु वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं सो so, एंड नरेटर वैशम वैशम पयाना जो वैशम पयाना है जो नरेट कर रहा होता है सब कुछ जने में जया को सो स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग इन डिटेल अबाउट द सीक्वेंस इस सीक्वेंस के बारे में डिटेल में बताना बताना शुरू कर देता है जने में जया को अराउंड द डाइसिंग इवेंट विच वॉज Were, which, as Janamejaya suggests, was the root of the destruction of the वर्ल्ड लाइक ऑब्वियसली जब दैशन आना नरेट कर रहा होता है पूरा मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन है इस पूरे सीक्वेंस ऑफ लाइक इस सीक्वेंस को जब नरेट कर रहा होता है डाइसिंग uh, वाला सीक्वेंस अराउंड द डाइसिंग वो विद अ में जया सजेस्ट लाइक इसमें जो इस सीक्वेंस में जने में जया जो है वो सजेस्ट करता है कि वज रूट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड लाइक ये रूट कॉज था लाइक like, जो भी वर्ल्ड uh, का डिस्ट्रक्शन है उस चीज़ के लिए ऑब्वियसली अगर ये नहीं होता तो उनके बीच लड़ाई नहीं होती सो द रिवर्सल इन द केस ऑफ पांडवास इज कंप्लीट वेन यू नॉट ओनली लूजेस हिज रिचेस सॉरी रिचेज हिम सेल्फ हिज ब्रदर्स एंड द्रौपदी एज वेल लाइक जब आ, वो लाइक ये जो रिवर्सल है वो तब जाके कम्प्लीट होता है जब पांडवास के पास कुछ भी नहीं होता युदिषिरा एक के बाद एक सब कुछ हारता जाता है अपने रिचेज को तो हार ही जाता है खुद को भी हार जाता है अपने ब्रदर्स को भी हार जाता है इवन द्रौपदी को भी हार जाता है तो इस हिसाब से सब कुछ उनका ख़त्म हो जाता है उनके पास सब कुछ भी नहीं रहता एंड या दिस इज़ हाउ यह कम्प्लीट होता है पूरा रिवर्सल ऑफ फॉर्चून लाइक इस तरीके से वो एकदम से अमीर से एकदम गरीब हो जा जाते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता इवन वो खुद को भी हार जाते हैं और इवन अपनी वाइफ को भी हार जाते हैं सो या थैंक यू सो मच वॉचिंग गुड बाय